क्या है FRDI बिल, बैंक के दिवालिया होने पर आपको कितना पैसा मिलेगा। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का कहर और अब FRDI बिल, क्या है ये FRDI बिल, सभी सोच में पड़े हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बैंकों को लेकर एक नया बिल इस वक्त डिबेट का हिस्सा है। इस बिल का नाम है फाइनेंशियल रेगुलेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, यानी FRDI। इस नए बैंक डिपॉजिट बिल के प्रावधान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि दिवालिया होने की स्थिति में बैंक खुद ये तय करेंगे जमाकर्ता को कितने पैसे वापस करने हैं। यानी कि अगर बैंक टूटता है तो जमाकर्ता के सारे पैसे भी डूब सकते हैं। उस बिल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है, जिसके बाद ऑनलाइन पिटीशन दौर शुरू हो गया। मामला बढ़ता देख अरुण जेटली की सफाई सामने आई कि इस बिल से कम रकम जमा करने वाले उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं होगा। जेटली ने कहा सरकार इस बात के लिए प्रतिबंधित है कि वो जमाकर्ता के धन की रक्षा करेगी। गौरतलब है 83% करीब भारतीय ने अपना पैसा सार्वजनिक या सरकारी बैंकों में जमा कर रखा है। केवल 18% लोगों ने ही प्राइवेट बैंक में अपना पैसा जमा कराया है। यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। यह बिल तैयार करके अगस्त महीने में ही संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। अगर मौजूद नियम की बात करें तो यह नियम भी कम जनता विरोध भी नहीं है। मौजूद नियम के मुताबिक अगर बैंक में आपके 10 लाख रुपए तक की राशि जमा है और अगर बैंक टूटता है तो केवल 1 लाख रुपए तक की राशि वापस मिलेगी। आपका बाकी पैसा बैंक खुद को संभालने के लिए इस्तेमाल करेगी। बैंक के खिलाफ कोई केस भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने बैंक को यह अधिकार पहले से ही दे रखा है, इसलिए एक बार फिर आपका पैसा डूबने की संभावना है। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट।